हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आपका दोस्त साकिब पठान, जैसा कि आप सब जानते हैं, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है राउटर के बारे में, जो वाईफाई होता है, राउटर होता है, वो कौन सा ले, किस प्राइस में ले, किस रेंज में ले और कौन सा बेस्ट है। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने, कुछ पर्सनली जो मेरे मिलने वाले हैं फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार मुझे कुछ बताओ, इस टाइम जो सेल चल रही है दिवाली की अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे, तो कौन सा राउटर बेस्ट है और किस प्राइस में, मेरा बजट इतना है, इस प्राइस रेंज में मुझे 1000 से 2000 के बीच में कोई अच्छा राउटर सजेस्ट करो। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं ये सब चीज़ें यूज़ करता हूँ पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली, क्योंकि मुझे तो नेट का बहुत ज़्यादा काम होता है रिगार्डिंग वीडियोज़ एंड स्टडी। सो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो में बताने चाहूँगा कि कौन सा राउटर बेस्ट है। तो आज जिसके हम अनबॉक्सिंग रिव्यू बताने वाले हैं, उसका नाम है HL C5012100। तो उसके बारे में मैं आपको A to Z बताऊंगा, उसका प्राइस, उसकी रेंज और उसकी क्वालिटी एंड मच मोर। सो इतना कहना चाहूँगा, आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरी देखें, अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं पता होता इसके बारे में। बाकी मैं यूज़ तो सब कुछ करता हूँ, बट मेरा जो कंटेंट है आपको पता है ब्लॉगिंग का है। सो प्लीज़ डोंट माइंड, अदरवाइज़ कोई इशू हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर लेना। और अगर फिर भी कुछ रह जाए तो कमेंट करके भेजिए, पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब चीज़ें ये बता सकता हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ जो कि आ गया है फ्लिपकार्ट से आज मेरे पास, एचर का C6 2100 वाला राउटर। तो अब शुरू करते हैं, आपके सामने जैसे आप देख रहे हैं ये मैं पैकिंग खोल रहा हूँ इसकी। तो दोस्तों ये मुझे सेल में पड़ा है 2000 रुपये का, वैसे इसका जो प्राइस है 3000 से 2500 के बीच में है। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पर आप चेक कर सकते हैं। बात करें इसकी क्वालिटी की, बहुत उमदा क्वालिटी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एड्रेस है जो मेरे पास आज आया है। और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से है, काफ़ी स्मूथ है रेंज वाइज, जो इसका कनेक्टिव एरिया है काफ़ी बड़ा है 3 पॉइंट कुछ। और इसकी बात करें स्पीड की, वो 5 GB है और ये आप देख रहे हैं 300 Mbps, जैसे मैंने आपको बताया 2.4 GHz जो है इसका रेंज ऑफ सर्विस है, 5 GB जो है इसका स्पीड का है। तो इजी वर्ड में यह है कि आपकी जो कैपेसिटी है एरिया वाइज, जैसे 4-5 फ्लोर की मंजिल है तो आप फ्लैट है तो आप ईज़िली से कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टी टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप या अदर चीज़ें भी। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, इस राउटर में, और जो कि है TP-Link का। TP-Link काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, बट मेरा दूसरा था, बट अब ज़्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप और ज़्यादा चीज़ें ऐड हो गई हैं, तो इसलिए मुझे बड़ा मंगाना था। तो मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट करा, तो मैंने ये परचेज़ करा आप सभी के लिए, आप सभी के सामने। तो अभी से अनबॉक्सिंग करने के बाद देखें क्या क्या इसमें मिला है। ये बॉक्स रख दें साइड में जो कि है खाली, और ये है ब्लैक कलर। बात करें कलर की तो काफ़ी सारे कलर अवेलेबल हैं, डिपेंड ऑन यू कौन सा आपको बेस्ट लगता है। तो मुझे तो ब्लैक ही बेस्ट लगा। और ये जो है इसका कनेक्टर है जिसे आप कनेक्ट करके इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये तो आपको भी पता होगा, जिसे आप अगर यूज़ करते हैं वाईफाई, तो बहुत से लोगों को नहीं पता था इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये इसकी केबल है जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को इसके साथ। और ये है जो इसकी बुकलेट आई है, इसके अंदर इसकी इंस्टॉलेशन गाइड है, जो भी सब चीज़ें होती हैं कि कैसे आपको यूज़ करना है। आप अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया, सो यू कैन डू स्टेप वाइज, सो इट्स इजी फॉर यू। अगर आपको ये सीख कर करना है, लाइक इंस्टॉलेशन कैसे करना है, सब कुछ है इसमें इन इजी वे। तो ये सब कुछ देख रहे हैं आप, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है इसकी इंस्टॉलेशन बुकलेट में। और ये केबल है जैसे कि मैंने बताया आपको कनेक्ट करने के लिए। तो अब इसे हटा के देखते हैं पोलिथीन से और मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो फटा पोस्टर निकला हीरो तो जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक कलर, मैंने आपको बताया अगर आप लेना चाहें वाइट तो वाइट भी अवेलेबल है। तो देखिए कितना पॉलिश मार रहा है, कितना प्यारा कलर है। और ये जो है इसके राउटर के एंटीना, ये 4 है इसमें, जो इसकी रेंज की जो कैपेसिटी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2.48 GB उस रेंज में जा सकता है, उस रेंज तक इसकी कैपेसिटी है। स्पीड की अगर बात करें तो 5 GB की स्पीड है जो 867 का दिखाता है। और इसके पीछे की बोर्ड बात करें तो 4 तो इसमें लेन है जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक वैन है, और साथ में इसे जो इसका कनेक्टर है पावर का, ऑन ऑफ का, वो है केबल का है। ये सब चीज़ें हैं जो इसे बेस्ट बनाती हैं। और दूसरा लुक वाइज काफ़ी बेस्ट है ये, और जैसा कि मैं आप सबके सामने प्लग करके दिखा देता हूँ
इसे ऑन करके किस तरीके से ऑन ऑफ हो रहा है, तो इसी में आपको प्लग करना है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी पिन है वैन की, जहाँ आपको प्लग करना है। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो केबल है इसे ऑन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, जो काफ़ी फोल्ड है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कोई नहीं, आपके मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता चल रहा है और हमें पता चल रहा है प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो मैं यही बताना चाहूँगा, जल्द से जल्द जाके परचेस करो अमेज़ोन फ्लिपकार्ट से, और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। सो अपना मैं सजेशन दे रहा हूँ, जैसे मैंने ऑन करा अब देन ऑफ, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से ऑन ऑफ करना है। दोबारा मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, ये मैंने क्लिक करा ऑन एंड देन नाउ इट्स ओपन। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी लाइट जल रही है, और इंस्टॉलेशन के बाद, एप्लीकेशन में इंस्टॉलेशन के बाद सारी लाइट ऑन हो जाएंगी, धीरे धीरे आप देख रहे हैं ऑन हो रही हैं। तो ये सब कुछ है इस वाईफाई के बारे में, जो राउटर इसे बेस्ट बनाता है। तो ये राउटर अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट और बेहतर मुझे नहीं लगता आपको कभी और वक्त मिलेगा, या इससे अच्छी डील कभी आपको और अदर टाइम मिलेगी। सो व्हाट यू वेटिंग फॉर, अगर आपको एक बेहतर और अच्छा राउटर चाहिए, सो ये बेस्ट डील है अकॉर्डिंग टू मी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।